हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फूडी होम में। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज और पुदीने के पराठे, जिसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी आटा। अब इसे हम नॉर्मल आटे की तरह गूंथ लेंगे, जैसे हम घर में फुलके के लिए गूंथते हैं। हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेंगे। इसका सॉफ्ट सा डो बना के हम तैयार करेंगे। ये देखिए मेरा आटा गूंद के तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए सेट होने देंगे। अब हम इसे ढककर रख देते हैं। 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। हम अपनी स्टफिंग के लिए लिया है मैंने एक प्याज कटा हुआ है बारीक बारीक, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने पुदीना काट के लिया हुआ है। हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हम इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें 2 बूंद घी लगाएंगे और अपने आटे को चिकना करेंगे। देखिए हमारे बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के तैयार है। तैयार है। अब हम आटे की तैयारी करते हैं। हम अपने गूंदे हुए आटे की बराबर से पेड़े बना लेंगे। हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेलेंगे हम ऐसे। अब इसे थोड़ा बड़ा बेलेंगे। अब हम इसमें अच्छे से घी लगाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। हम प्याज में नमक मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा प्याज पानी छोड़ देगा। हम इसमें ऐसे ऊपर से ऐड करेंगे नमक को। अब हम इसमें प्याज, पुदीना और हरी मिर्च का मिक्सचर इसमें डालेंगे और इसे आराम से फोल्ड करेंगे। ऐसे बंद करना है और हल्के हाथों से दबाना है इसे। अब हम इसमें सूखा आटा लगाते हैं और इसको आराम से हम बेलेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे। देखिए हमारा पराठा बनके तैयार है। अब हम अपना तवा गरम करते हैं। हमारा तवा गरम हो चुका है। अब हम इसमें हल्का सा घी लगाएंगे और अपने पराठे को इसमें आराम से डाल देंगे। इसे बहुत तेज आंच में नहीं सेकना है, हम इसे थोड़ा धीमी आंच में ही सेकेंगे ताकि ये क्रिस्पी बन के तैयार हो। हम इसमें थोड़ा सा घी और साइड से डालेंगे। अब जब तक हमारा वो पराठा बनता है तब तक हम दूसरे की तैयारी कर लेते हैं। और इसमें घी लगाते हैं। घी आप अपने हिसाब से लगाइए, आप ज्यादा खाते हैं ज्यादा लगाइए, कम खाते हैं कम लगाइए। आप जो भी घी खाते हैं या जो रिफाइंड खाते हैं आप उससे बना सकते हैं। मैंने देसी घी यूज किया है। देसी घी के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम इसे दबाकर हल्का सा सेकेंगे।
देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा बन के तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे टिफिन में भी ले जा सकते हैं इस पराठे को, सॉस के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज के, बटर के साथ, आप इसे किसी भी तरह से खा सकते हैं। देखिए हमारे प्याज और पुदीने के पराठे तैयार हैं, इनको हम सर्व करते हैं।